बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एंटी टेस्ट सीरीज ऑफ फिजिक्स का लेक्चर है वो है अबाउट इक्विलिब्रियम, अबाउट टॉर्क, अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी ये एक ऐसा ब्रीफ लेक्चर है जिसमें मैं आपकी बेस सेट करूंगा कि हम इक्विलिब्रियम को ग्रैब कैसे करेंगे, टॉर्क से रिलेटेड बैलेंस, रॉड बैलेंसिंग जो क्वेश्चंस आते हैं एमडी कैट में या डिफरेंट एग्जामिनेशन में, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, तो टॉर्क से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को देखने की ताकीद यही है कि अपने पास पेंसिल और पेज भी लाजमी रखें ताकि जो एग्जाम्पल आपके सामने आए उसको एक दफ़ा वीडियो रोक के खुद प्रैक्टिस करें ताकि आप साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ग्रैब करते जाएं और अपने ही लेक्चर नोट्स बनाते चले जाएं। सेकेंडली, इस लेक्चर का जो कंटेंट होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास, सबसे पहले मैं थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करूंगा, फिर मैं बैलेंस को या इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर हम फोर्स और टॉर्क के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे, ऐसा डिफरेंस बताऊंगा जिसको बस आपने याद रखना है, उसके अलावा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड टॉर्क्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर स्टूडेंट्स रॉड बैलेंसिंग और कुछ और प्रॉब्लम्स इस सारे लेक्चर से रिलेटेड एट द एंड जो है वो मैं आपको डिफरेंटली सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को देखें। सेंटर ऑफ मास क्या है कि तमाम बॉडीज जो हैं वो किससे मिली मिलकर बनी हुई है, मैटर से। अब यहां पर कुछ कंपल्शंस हैं सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम जो कंसिडरेशंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो बहुत सिंपलर है। यानी हम ये इमेजिन करके चलेंगे कि हम जिस ग्रेविटेशनल फील्ड में ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, नंबर वन। नंबर टू, जो बॉडी हम सेंटर ऑफ मास के लिए स्टडी करने जा रहे हैं उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो यूनिफॉर्म है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी मैं आपको कुछ एक फैक्ट्स बताऊंगा। सो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी कंसंट्रेटेड। अब जैसे आपके पास ये एक सर्कुलर सा डिस्क ऑब्जेक्ट है या फर्ज करिए कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरी बॉडी ही छोटे छोटे मास एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है और हर मास एलिमेंट का अपना मास है। बट जब ये किसी सरफेस पर मौजूद होगी तो हम यूं इमेजिन करेंगे कि इसका जो सेंटर है वो पॉइंट है जहां इस पूरी बॉडी का मास, यूं लगता है जैसे कंसंट्रेटेड ही बॉडी का मास इस जगह पर है। यूं समझ लें कि जैसे ये पूरी बॉडी ये जगह नहीं घेर रही, पूरी बॉडी इस जगह पर एग्जिस्ट कर रही। सो दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी है स्टूडेंट्स, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी हो सकती है। जैसे सर्कल है ना, तो सर्कल का सेंटर, अगर सर्कल की डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो सर्कल का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसी तरह एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर ऐसा पॉइंट जो डायगोनल्स को मिलाने से भी वही हो और परपेंडिकुलर टू द साइड्स मिलाने से भी वही हो, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। फिर ट्रायंगुलर शेप आ रहे हैं तो यहां से मीडियंस ड्रॉ करें, हर कॉर्नर से साइड तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जहां पर ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो रिमेंबर, अगर बॉडी की डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। बट लेट्स से आप एक बॉटल से पानी पी चुके हैं और उस बोतल में इतना सा पानी मौजूद है। अब देखें, बोतल का ये वाला पॉइंट इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, लेकिन जहां पानी मौजूद है वहां बोतल में ज्यादा मास कंसंट्रेशन है। सो एक्चुअल में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस जगह पर होगा जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ मास ज्यादा होगी। सो ऐसा भी मुमकिन है कि बॉडीज का ज्योमेट्रिकल सेंटर उनका सेंटर ऑफ मास ना हो। स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का एक सिंपल फॉर्मूला भी है,
उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म शेप की है तो फिर आप उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसका तरीकेकार ये है कि आप उसके कोई से तीन कॉर्नर जो है थोड़ा सा डिस्टेंस्ड पार्ट जो है वो चूज कर ले और उनमें होल ड्रिल कर दे। यहां से आप एक स्ट्रिंग हैंग कर दे। अब आपने करना यह है कि पहले होल को यहां पे हैंग किया और स्ट्रिंग से यहां पे एक लाइन लगा ली, फिर आपने इसको उतार के दूसरे होल को हैंग करना। दूसरे होल को हैंग करेंगे तो फिर आपको एक और लाइन लगानी पड़ेगी, फिर तीसरे होल को हैंग करेंगे तो एक और लाइन उससे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, तो जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट शेप। तो यहां तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ मास का। अब सेंटर ऑफ मास के आगे फॉर्मुलेशन पर जाने से पहले मैं आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कंफ्यूजन भी दूर कर दूं कि स्टूडेंट्स जब ये बॉडी का मास हम स्टडी करेंगे तो वी विल स्टडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब हम ये देखेंगे कि जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो वी विल सिंपली डू दैट W इज इक्वल टू mg। तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में याद रखें, अगर हम जमीन के करीब करीब बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टूडेंट्स जो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास होता है मोस्ट प्रोबेबली वही बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। इसलिए आपने ऐसे किसी क्वेश्चन में फंसने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। रिमेंबर दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज सेम एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, अब ये साथ साथ ही चलेंगे। यानी मैं जहां पर आपको कहूं कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है तो आप यही समझ जाएं कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूलाज मैंने यहां पर लिखे हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। यानी कोई सिस्टम हो सकता है जो अलोंग एक्स एक्सिस पड़ा हो, या इसी को अगर हम वर्टिकल कर दें तो फिर हम वाई सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला को यूज करने का एक सिंपल सा मेथड मैं आपको यहां पर बताऊंगा, फिर एट द एंड जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आऊंगा तो मैं आपको कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले हम सिंपल थ्योरी पे रहेंगे, फिर एट द एंड जो है आपको एक बल्क ऑफ क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स फर्ज करें कि एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पहले तो मेमोराइज कर लें, अपने पास लिख भी लें, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, बॉडीज तीन हो जाए तो एम थ्री एक्स थ्री आ जाएगा, बॉडीज n हो जाए तो mn xn और m1 plus m2 plus m3 and so on, इस तरह फॉर्मूला चलता रहेगा। बट मैं आपको सिंपल कंसिडरेशन पे रखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम यूनिवर्सिटी लेवल फिजिक्स नहीं, हम एंटी टेस्ट फिजिक्स को डील कर रहे हैं। तो देखें, फर्ज करें हमारे पास एक m1 मास है 2 kg और एक m2 मास है वो भी है 2 kg। नाउ लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर है तो पहले तो आप ही बता दें कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। अब चूंकि देखें दोनों के मास भी इक्वल है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जी इनका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास होगा वो किस पर होगा, 1 मीटर पर। बट इस 1 मीटर का फैसला करना है, ये 1 मीटर कहां से, ये 1 मीटर m1 से या 1 मीटर m2 से, दोनों से कह सकते हैं। या m1 से आप 1 मीटर दूर चले जाए तो इनका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, या M2 से आप 1 मीटर दूर चले जाएं तो इनका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। जो कोई बिगनर टीचर्स ये लेक्चर अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो टीचर्स यू हैव टू रिमेंबर कि आपको जब भी एंटी टेस्ट में इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना है तो इसी पैटर्न पर कोशिश करें ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर आइडिया हो कि इक्विलिब्रियम की नब्ज पकड़नी कैसे। तो नाउ अब हमने इमेजिनरी तौर पर सोच तो लिया कि यह डिस्टेंस 1 मीटर है, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूला का भी सहारा लेते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास, यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए मैं आपको जो गुर बता रहा हूं वो ये, आप किसी एक मास को ओरिजिन बना लें। लेट्स से हम इस मास को ओरिजिन बना लेते हैं, तो ये हमारा x1 है और x1 ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब इस मास से जो दूसरा मास है स्टूडेंट्स वो x2 डिस्टेंस पर है, और x2 डिस्टेंस कितने मीटर्स है, 2 मीटर्स। सो नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला, m1 यानी 2 kg, x1, x1 जीरो इसलिए क्योंकि हमने उसी मास के क्रॉस ओरिजिन कंसीडर किया हुआ है, तो ये हो गया m1 x1 प्लस m2, ये भी 2 kg और x2, ये 2 मीटर्स है ओरिजिन से, x2 का फासला कितना है, 2 मीटर्स। सो नाउ नीचे है m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 2, 2 प्लस
टू। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये तो जीरो हो जाएगा, ये टू इंटू टू फोर हो जाएगा, ये टू प्लस टू फोर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन मीटर। सो यस दैट्स आवर राइट आंसर। हमने तो इमेजिनरी तौर पे इमेजिन कर लिया था कि बॉडी सिमेट्रिकल है, डिस्टेंस टू मीटर है, तो सेंटर ऑफ मास राइट इन द ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, तो हमने खुद भी वन मीटर कहा, हमें इक्वेशन ने भी वन मीटर आंसर दिया। वन मीटर क्या, जो आपने ओरिजिन चूज किया है वहां से अगर आप वन मीटर वे चले जाएंगे तो दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास। यहां तक समझ आ गई बात। अब आपको एक और मजे की चीज बताता हूं। नाउ सपोज दैट के मासेस एक, ये वाला 2 केजी ही है, ये जो मास m2 है स्टूडेंट्स इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 8 केजी। अब देखें पहली बात जो समझ ले कि ये मास जो है वो लाइटर है और ये मास जरा हैवियर, इसको थोड़ा हैवियर शो भी कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये मास जरा हैवियर। अब आप बताएं क्या ये सेंटर ऑफ मास इसी जगह पर होगा? नो। अब बताएं कहां किस तरफ शिफ्ट होगा? अब ये शिफ्ट होगा, मूव करेगा। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि जिस तरफ हैवियर बॉडी होगी ये सेंटर ऑफ मास उसके करीब चला जाएगा। तो देखें पहले ये m1 से कितने डिस्टेंस पर था स्टूडेंट्स, 1 मीटर डिस्टेंस पर। अब हम देखते हैं कि क्या ये उसी डिस्टेंस पर रहेगा अगरचे दोनों के दरमियान फासला 2 मीटर है। तो सी x सेंटर ऑफ मास m1 इंटू एक्स वन प्लस m2। अब यहां पर m2 है 8 केजी जबकि x2 अभी भी 2 मीटर है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इट विल बी 2 प्लस 8। तो नाउ सी 8 2 16, 8 प्लस 2 10, 1.6 मीटर। अब 1.6 मीटर का मतलब क्या है? पहले ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पर था सेंटर ऑफ मास, जैसे ही ये बॉडी हैवियर हो गई है हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो अब 1 मीटर नहीं 1.6 मीटर पर है। आई एम होपफुल कि आपने ये बात फॉलो की। अब अगर ये मास स्टूडेंट्स और इंक्रीज करेगा, ये सेंटर ऑफ मास और इस बॉडी के करीब चला जाएगा, और इंक्रीज करेगा ये सेंटर ऑफ मास और इस बॉडी के करीब चला जाएगा। रिमेंबर दैट सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग जो है वो यूं ही समझ लें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी शिफ्टिंग है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब देखें कि अगर m2 मास इत्तहा का ज्यादा ग्रेटर हो जाए तो n मुमकिन है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो वैसे ही शिफ्ट हो जाए इनसाइड द हैवियर बॉडी और दूसरी बॉडी उसके मुकाबले में बिल्कुल ही लाइटर कंसिडर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, तो देखिए सूरज का जो मास है वो बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में इतना ह्यूज है कि हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, इनसाइड द सन। तो इसी तरह जैसे ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमने यहां पर डिस्कस किया बॉटल का, तो देखिए जब ये बॉटल कंप्लीटली फिल्ड होती, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली पूरी बॉटल में एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। बट अब जैसे जैसे बॉटल पीते जाएंगे बॉटल का ज्यादातर मास बॉटम की तरफ आएगा, लिहाजा उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से उस तरफ शिफ्ट होगा जिस साइड से बॉडी क्या है होना शुरू हो जाएगी, हैवी होना शुरू हो जाएगी। ऑल राइट तो इस फॉर्मूला को एक दो एग्जांपल्स के साथ मैंने यहां डिस्कस किया है, इसके बाद मैं आपको एट द एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ इसकी और एग्जांपल सॉल्व कर दूंगा। अब सेंटर ऑफ मास को आपने समझ लिया, अब आप इसी वर्ड को सेंटर ऑफ मास नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टूडेंट्स वो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस हो, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी को प्लेस किया जाए जिस नुक्ते पर, तो बॉडी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे या बोर्ड मार्कर मेरी फिंगर पे देख रहे हैं, अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर पे नहीं रखता यहां पे रखता हूं तो देखिए इट विल फॉल डाउन। इसका मतलब है कि इसके वेट की वजह से आपके सामने जहां से आप देख रहे हैं एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा अब यहां पे प्लेस करता हूं तो इसके वेट ही की वजह से छोड़ूंगा तो आपके सामने एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो पॉइंट जहां पर मैं इसको प्लेस करूं
और ना ये क्लॉकवाइज मूवमेंट में आए ना ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आए, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस तरह आप किसी भी चीज को अगर किसी पॉइंट पर बैलेंस कर सकते हैं तो दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ बातें। पहले था सेंटर ऑफ मास, तो पॉइंट वेयर होल मास वाज कंसंट्रेटेड, अब वहां मास की जगह आपने वेट कंसीडर कर लेना है। पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी सेट टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मोस्टली जो बॉडीज के ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं वही उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज भी हैं। बट मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में समझाया कि अगर बॉडीज में मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होती है तो ऑटोमेटिकली जिस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा उसी तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ बेस्ट कंडीशंस बताता हूँ बैलेंस की। हम तमाम जो बनी नौ इंसान हैं या ज़मीन पर जो भी कुछ है उसके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी। अब बैलेंस, अच्छे बैलेंस के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपने याद रखनी है। नंबर वन, देर मस्ट बी अ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ज़मीन से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत कम ऊंचाई पर होना चाहिए। और दूसरी अच्छी कंडीशन है लार्ज बेस एरिया। जितना ज़्यादा बॉडी का मास या जितना ज़्यादा बॉडी का सरफेस जो है वो ज़मीन के साथ कनेक्टेड होगा बैलेंस में, उतनी ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैंने यहाँ पे एक रॉड को बैलेंस किया है। मैं रॉड बैलेंसिंग के आपको जो प्रॉब्लम्स है वो एंड पे सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अक्रॉस बॉडी में फोर्स लगे। अब देखें ना, यहाँ पे फोर्स ऑफ वेट लग रही है लेकिन यहाँ पे मोमेंट आर्म जीरो है, तो बॉडी अपने वेट के अंदर अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ऑन वेट रोटेट नहीं कर सकती। नंबर वन। नंबर टू, जितना इस साइड से वेट एक्ट कर रहा है उतना ही इस साइड से वेट एक्ट कर रहा है, सो जो नेट सम ऑफ टॉर्क्स है वो भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो देखें, ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस हो जाए, दैट पॉइंट विल बी नेम्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सबसे आसान तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का। नंबर टू, फर्स्ट करें हमारे पास एक ये रॉड है। अब इस रॉड की दो कंडीशन देखें, कंडीशन नंबर वन और कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर वन, ग्राउंड से ये है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये है बेस एरिया जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां से वेट एक्ट करता है। अब यहां से एक लाइन स्ट्रेट जा रही है जो बहसियत वेट एक्ट कर रही है, और याद रखें वेट लाइन हमेशा बेस एरिया से गुजरती है, यानी ये वेट लाइन है ना, तो जो सरफेस ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा वेट लाइन इमेजिनरी तौर पे उसी सरफेस में से पास कर रही होगी। सो नंबर वन, ये कंडीशन आपने देख ली कि ज्यादा बेस एरिया जमीन के साथ कनेक्टेड नहीं है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हाई है। अब इसी को अगर हम यूं जमीन पर लिटा देते हैं तो दो तब्दीलियां आई, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से बहुत कम हाइट पर है, दूसरा ज्यादा बेस एरिया जो है वो जमीन के साथ कनेक्शन में है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लें कि दिस स्ट्रक्चर इज लेस बैलेंस्ड एंड दिस स्ट्रक्चर इज मोर बैलेंस्ड। तो इसकी कंडीशन यूं भी देख रहे हैं कि आप किसी बस में खड़े होंगे ना, तो आप कभी भी अपने पांव जोड़ के खड़े नहीं होंगे, आप हमेशा पैरों को थोड़ा सा यूं खोल के खड़े होंगे। क्यों? उससे आपका बेस एरिया बढ़ेगा एंड यू विल बी फीलिंग मोर स्टेबल। लेकिन चूंकि हमारी बॉडी की ज्योमेट्री की एक लिमिट है तो हम एक सर्टन लिमिट तक अपनी टांगों को एक्सपेंड करके जो है वो स्टेबल हो सकते हैं। अब इसी स्टेबिलिटी की बिना पर स्टूडेंट्स हम इक्विलिब्रियम की पहली तीन टाइप्स पे आते हैं। वैसे तो और भी इक्विलिब्रियम की टाइप्स आती हैं लेकिन उन सब का जो लुबे लुबाब है वो सेम ही है। इक्विलिब्रियम्स में तीन तरह के स्टेबल इक्विलिब्रियम्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नंबर वन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर टू अनस्टेबल एंड नंबर थ्री न्यूट्रल। अच्छा, इन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड नस्ट के एग्जाम्स में कुछ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसके साथ इसके बाद वो भी डिस्कस करूंगा। तो इक्विलिब्रियम्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखना है कि आपके पास ये एक बॉडी सरफेस पे पड़ी हुई है, आप इस पे थोड़ी सी फोर्स लगा के इसको उठाते हैं, लेट्स से यहां पर लाकर इसको छोड़ देते हैं। अब आपके छोड़ने पर, रिलीज करने पर अगर बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाए, सिंपल इतना याद रखना है, अगर बॉडी को छोड़ देने पर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ
मैं इसको थोड़ा सा उठाकर छोड़ दूं तो इट विल रिटर्न बैक। तो अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाए, यानी इफ अ बॉडी इज डिस्टर्ब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड आफ्टर रिमूविंग द फोर्स इट रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, दैट इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। जैसे यहाँ पर एक प्याले में एक बॉल पड़ी, आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, इट विल रिटर्न बैक। ऑलराइट, ये केस होता है लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का। इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे स्टेबल का। याद रखना है, डिस्टर्ब करने पे अगर बॉडी वापस अपनी पोजीशन पर चली जाए तो स्टेबल। अब ये कंडीशन देखें, आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोर्स लगा के डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो लेट दिस बी द न्यू सिचुएशन। अब आप इस बॉडी को रिलीज करेंगे तो देर इज नो रिटर्न। ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस जाने की बताए ग्रेविटी को फॉलो करते हुए जमीन पर आ लगेगी। तो अनस्टेबल की एक और एग्जांपल कि एक बॉडी एक ढलवान पर पड़ी, आप इसे जरा सा डिस्प्लेस कर दें तो इट विल नॉट रिटर्न बैक। तो अगर डिस्प्लेस करने पर बॉडी वापस नहीं आती, रिटर्न नहीं होती, तो देन दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होता है कि देखें, इस रॉड को अगर आप यहां से फोर्स लगाना शुरू करें, ये मूव करती जाए, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जमीन से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसको यूं समझ लें कि एक बॉल है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब ये बॉल जमीन पे रोल करती चली जा रही है, तो मुसलसल इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो कांस्टेंट है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हाई हो ना लो हो, तो दिस कंडीशन इज नेम्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब मैं यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, वो आपने आगे फोर्स और टॉर्क में याद भी रखनी है। स्टूडेंट्स, अगर कोई फोर्स बॉडी के बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लग रही है, दिस फोर्स, तो दिस विल बी एफ इज इक्वल टू एम ए। बॉडी के मास में क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यही फोर्स स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बजाय किसी और पॉइंट पर लगेगी, तो फिर क्या होगा कि बॉडी इस पॉइंट के अक्रॉस घूमना शुरू कर देगी। नाउ दिस फोर्स विल नॉट बी नेम्ड एज अ फोर्स, इट विल बी नेम्ड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो याद रखें, जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात होती है तो फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करे फोर्स लाइन, तो इट्स लीनियर मोशन। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा कहीं फोर्स लगे स्टूडेंट्स, तो इट्स रोटेशनल मोशन। यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो जाता है? टॉर्क। और जहां फोर्स लग रही है वहां से इस सेंटर तक का फासला, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। अब मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का। तो स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में स्टेबल और अनस्टेबल के कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए, स्टेबल क्या था कि अगर बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया जाए तो इट विल रिटर्न बैक स्टेबल, इफ इट डज नॉट रिटर्न बैक इट इज अनस्टेबल। तो नस्ट के एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास दो इक्वल चार्जेस हैं, दो कॉर्नर्स पे पड़े, दोनों पॉजिटिव हैं, आप इनके बिल्कुल मिड में एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं और उसको प्लेस करने के बाद किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो बताएं ये इक्विलिब्रियम कौन सा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बड़ी आसान सी मेथडोलॉजी है, सिर्फ ये दो हिंट्स जहन में रखने हैं। फर्ज करें ये Q1 चार्ज से, ठीक है, ये Q2 चार्ज है, इसको भी हम Q1 का ही नाम दे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो या इसको Q2 कर लें, इसको Q0 कर लें, यहां पर Q1 Q0 हो जाएगा, यहां पर Q2 Q0 हो जाएगा। Now see, आपने इसको बिल्कुल मिड में प्लेस कर दिया। अब देखें, इसका Q1 से भी डिस्टेंस डी है और इसका Q2 से भी डिस्टेंस डी है। चूंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो Q1 भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अभी अट्रैक्शन इक्वल है, लिहाजा ये अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम में है। बट नाउ अगर इस चार्ज को हम थोड़ा सा मूव करते हैं टूवर्ड्स, इसको F1 कह लें, इसको F2 कह लें, अभी जो कंडीशन है वो ये कि F1 इज इक्वल टू F2। नाउ सी, अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा मूव करूंगा Q2 की तरफ, तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस पहले से कम होगा, Q2 और Q0 के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, तो F2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब अगर F2 अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी F1 अट्रैक्शन से, यानी इसको प्लेस किया थोड़ा सा Q2 की तरफ मूव किया, तो डू यू एक्सपेक्ट कि आप इसको छोड़ देंगे तो ये वापस आएगा? नो वे,
चूंकि एफ टू अट्रैक्शन बढ़ चुकी है एफ वन से, तो द चार्ज विल नॉट रिटर्न बैक, इट विल कनेक्ट या इट विल स्टिक विद द चार्ज क्यू टू। तो देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करके थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, नहीं वापस आया, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कंसिडर होगा? अनस्टेबल। ये तो हमने मूवमेंट की अलोंग द लाइन, क्या मूवमेंट की? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अब अगर हम मूवमेंट करें अक्रॉस द लाइन, यानी ये मूवमेंट हमने की अलोंग एक्स एक्सिस, अब अगर हम मूवमेंट करें अलोंग वाई एक्सिस, तो देखें दोनों चार्जेस सेम उसी तरह क्यू वन क्यू नॉट क्यू टू, दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी है, अभी तो इसको प्रॉपर तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ सी के अगर हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करके इस पॉइंट तक ले जाए, ये नेगेटिव चार्ज, तो देखें इस तरह डिस्प्लेस करने से ये लाइन ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, सेम उसी तरह ये लाइन ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। अब अगर आप देखें कि हम यहां से एक वेक्टर लाइन सपोज कर लें, ये वेक्टर ऑफ अट्रैक्शन और एक ये वेक्टर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अब ये दो फोर्सेस हैं, एक बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो हम चलें वेक्टर एडिशन पे आ जाते हैं। अभी तो ये टेल टू टेल कनेक्टेड है, हम इन्हें हेड टू टेल जोड़ते हैं। हेड टू टेल ऐसे है कि ये वाला वेक्टर पिक कर लें और इसको इस हेड के साथ जोड़ के यहां पर ऐड करें, तो जब रिजल्टेंट बनेगा स्टूडेंट, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेम पॉइंट जहां से हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया था। तो रिमेंबर, अब अगर मैं इसको अक्रॉस द लाइन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा हूं, मैं इसको रिलीज करके छोड़ दूंगा, तो व्हाट विल हैपन? इट विल रिटर्न बैक बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द अट्रैक्शंस, जो अभी भी सेम है, क्योंकि अभी भी जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस से वो क्या है? सेम। और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो थिंक ऑफ द कंडीशन कि आपने एक चार्ज को डिस्प्लेस किया उसके इक्विलिब्रियम पोजिशन से, और जैसे ही रिलीज किया, इट रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। सो दिस इक्विलिब्रियम विल बी नेम्ड एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन की कुछ कंसिडरेशन ये हैं कि कॉर्नर्स के दोनों चार्जेस सेम होने चाहिए और सेंटर वाला जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। सिमिलर होगा तो फिर उसके मुताबिक, अब आपको मैंने हिंट दे दिए, अब आपने थोड़ा सा ट्राई करना है डिफरेंट चार्ज सिमेट्रीज को। अब हम स्टूडेंट्स इसके बाद चलते हैं फोर्स एंड टॉर्क पर। स्टूडेंट्स अब हम एक शॉर्ट और ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क। मेरा मेजर फोकस होगा टॉर्क, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए हम लॉज ऑफ मोशन का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, तो टॉर्क और टॉर्क से रिलेटेड फिर रॉड बैलेंसिंग और अदर प्रॉब्लम जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज अ फोर्स? स्टूडेंट्स फोर्स इज दैट एजेंसी दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर सकती है बाय पुश और बाय पुल। और यूनिफॉर्म लीनियर, यहाँ पे वर्ड लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स वो चीज है जो बॉडीज में लीनियर मोशन प्रोड्यूस करती है जब वो फोर्स पास कर रही हो थ्रू द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पर जो लगने वाली फोर्स है स्टूडेंट्स, वो इस बॉडी में कौन सा मोशन प्रोड्यूस करेगी? लीनियर मोशन। ऑलराइट, फोर्स दो तरह की हो सकती है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है, एम ए एम जी, ठीक है, या एम एम जी ओवर आर स्क्वायर फॉर नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप किसी बॉक्स को हिलाना चाहते हैं तो यू नीड अ पुश और अ पुल बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्टिंग विद द बॉक्स। लेकिन अगर आप देखें जमीन और चांद के दरमियान जो फोर्स है, देर इज नो कॉन्टैक्ट, देर इज नो कनेक्शन। दो चार्जेस के दरमियान, दो मैग्नेट्स के दरमियान जो फोर्स है उन्हें क्या कहेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर टॉर्क क्या है? एजेंसी दैट टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। यहां तक तो डेफिनेशंस दोनों की सेम है। और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, यहां पर क्या था? लीनियर। यहां पर क्या था? रोटेशन। अब रोटेशन याद रखें स्टूडेंट, हमेशा तब प्रोड्यूस होती है जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को छोड़ दें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट्स से वो पॉइंट, या फिर वो जहां से आपने इस बॉडी को पिवट किया। पिवटिंग, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, चाहे तो इसको यहां से पिवट कर दें। पिवट वो होता है जहां पे उसको सपोर्ट दी जाए, या इसको यहां से पिवट कर दें,
ठीक है, ये जगह छोड़ दें, यहाँ से पिवट कर दें तो इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, और यही पॉइंट फिर इस बॉडी का क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन शॉर्ट, पहले सिंपल पे आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा अगर आप किसी और जगह पर फोर्स अप्लाई करें तो अब क्या होगा, ये देखें ये फोर्सेस लग रही हैं, ये अप्लाई करने से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो रही। नाउ थिंक ऑफ द बाइक हैंडल, आप एक फोर्स नीचे की तरफ और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो आप टॉर्क एग्जर्ट कर रहे हैं, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही। गाड़ी का स्टेयरिंग है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, स्पैनर है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, फैन है, रोटेशन है, दरवाजा है, रोटेशन है। जहां पर भी फोर्स लीनियर नहीं, रोटेशनल मोशन पैदा कर रही है स्टूडेंट्स, वो कंडीशन ऑफ टॉर्क होगी, वो कंडीशन ऑफ फोर्स नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, अब टॉर्क को थोड़ा सिंप्लीफाई करते चले जाएं, तो टॉर्क की सिंप्लीफिकेशन में फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पैनर है जो एक स्क्यू को ओपन कर रहा है, तो ये पॉइंट उसका पिवट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। पिवट पॉइंट वो होता है जो बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है, यानी इस पॉइंट के, इस नुक्ते के गिर्द ये पूरा स्पैनर घूम सकता है। नाउ अब स्पैनर को खोलना है तो ऑब्वियसली हम इस नुक्ते के ऊपर तो फोर्स नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इस स्पैनर से थोड़ा सा अवे मूव करें। अच्छा, अगर इस स्पैनर पे हाथ रख के मैं इसको टूवर्ड्स द स्क्रू या अवे फ्रॉम स्क्रू भी खींचूंगा तो भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ऑलराइट, तो रिमेंबर जो फोर्स आपने लगानी है एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन से आपने परपेंडिकुलर चले जाना, और परपेंडिकुलर जाके आपने फिर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करनी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मोमेंट आर्म आर कहेंगे, और ये है फोर्स। तो स्टूडेंट्स टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क पे पूरा लेक्चर जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले टॉर्क को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप उससे एक दफ़ा लेक्चर सुने, मैं यहाँ पर एनडी टेस्ट के जो है रेफरेंस पे रहूँगा। तो इट इज आर क्रॉस एफ, अब आर पहले एफ बाद में है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है स्टूडेंट्स। जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है स्टूडेंट्स, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है वहां पर या तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज होता है, दो मेजर ऑप्शंस होती हैं। अब आर क्रॉस एफ अप्लाई कैसे करना है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर को इमेजिन कैसे करना है स्टूडेंट्स, पिवट से लेकर जहां तक फोर्स लग रही है आपने उस लाइन को एक वेक्टर बना देना है, और ये लग रही है फोर्स। अब याद रखें ये तो हेड टू टेल जुड़े नजर आ रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स वो हेड टू टेल नहीं, वो हम टेल टू टेल देखते हैं। तो अब आर क्रॉस एफ ने पहले तो ये समझें और इस स्पैनर को गौर से देखें कि इस फोर्स लगने से ये जो स्पैनर है ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो घड़ी है ना, घड़ी की सिमत को जहन में रखें, घड़ी जिस सिमत में नॉर्मली घूमती है वो कहलाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन ये कहलाएगी एंटी क्लॉक वाइज। सुनाओ आपके सामने इस वक्त ये फोर्स लगने से किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, क्लॉक वाइज। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट से भी वेरीफाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, गौर से सुनना है। मोमेंट आर्म की ये लाइन आप यहां से रेज करके एज इट इज आगे मूव कर दें, सच दैट दिस लाइन इज आर, दिस लाइन इज एफ। So, अब R क्रॉस F है तो देखिए ये टेल टू टेल जुड़ गए। अब R क्रॉस F का मतलब है कि R को रोटेट करें F की तरफ। अब जब हम R को रोटेट करें राइट हैंड टूल से, R को रोटेट करें F की तरफ, तो हमारा थंब इन टू द पेपर जा रहा है। इन टू द पेपर का मतलब ये है कि ये इन इन साइड है या नेगेटिव डायरेक्शन है, और जो स्टूडेंट्स नेगेटिव टॉर्क है ना ये हमेशा क्लॉक वाइज टॉर्क होता है। तो देखें यहां पर R क्रॉस F हमें कौन सा आंसर दे रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, आप यहां पे R की डायरेक्शन को देख भी सकते हैं, क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब इमेजिन करें कि यही फोर्स डाउनवर्ड नहीं हमने अपवर्ड लगाई। अब अपवर्ड से देखें आपने मोमेंट आर्म तो वही रहेगा, उसी तरह आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब आपने मेरे हाथ की उंगलियों की रोटेशन देखनी है, आर को एफ की तरफ रोटेट करना है। तो जैसे मैं R को F की तरफ रोटेट कर रहा हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं और मेरा थंब पॉइंटेड है आउट ऑफ द वाइट बोर्ड। सो इस कंडीशन में जो मेरे पास टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जस्ट इमेजिन
कि अगर स्टूडेंट्स मेरे पास एक ही वक्त में दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही हों तो बॉडी ना डाउनवर्ड रोटेट करेगी ना अपवर्ड, उसकी वजह कि क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो चुका होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ऑलराइट, तो ये है टॉर्क का एक बेसिक आइडिया। अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स पे आते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क एंड फोर्सेस पे आएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टूडेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कहलाती है फर्स्ट कंडीशन और एक कहलाती है सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जिसे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इट स्टेट्स दैट इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन अ बॉडी अलोंग वाई एक्सिस, और इन जनरल इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर जीरो, देन द बॉडी सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल। लेट्स से ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज, इट वुड बी अ फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इट वुड बी अ फोर्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, दोनों को एड अप करें तो आंसर जीरो आएगा। इसी तरह दिस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो दिस फोर्स विल बी कंसिडर्ड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों को सम अप करें तो आंसर जीरो आएगा। और अगर हम इस पूरी स्ट्रक्चर को सम अप करें तो हम कहेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर किसी बॉडी पर स्टूडेंट्स सम ऑफ ऑल फोर्सेज जीरो हो रहा है ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, स्टैटिक एंड डायनामिक। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, इफ अ कार इज एट रेस्ट then sum of all forces its weight, gravitational, air pressure, all about जितनी भी इस पर लगने वाली forces हैं natural और unnatural, वो सब की सब इसको rest condition पर रखे हुए हैं, तो इस वक्त भी sum of all forces zero है, तो force zero है तो body की acceleration zero है and the condition is of rest, तो this equilibrium will be named as static। second, अगर body linear way में एक straight line में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बाय हैविंग ऑल द कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज सम टू बी जीरो, तो स्पीड कॉन्स्टेंट है तो मोशन यूनिफॉर्म है, तब भी इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेज का सम क्या होगा, जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो। तो स्टूडेंट्स दिस इक्विलिब्रियम विल बी नेम्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम्स देखना चाहें तो चैप्टर नंबर 2 का जो वेक्टर्स का चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसमें आपने न्यूमेरिकल नंबर 15 ठीक है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसको आपने एक नज़र देखना है, आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरी जो कंडीशन है जिसे सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसे कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। If the sum of all the moments of force or the sum of all torques acting on a body are zero, then the body is said to be in rotational equilibrium. For example, ये एक body का pivot point है, तो ये force equal distance पर, d distance पर, उसमें clockwise torque produce कर रही, और ये एक force d ही distance पर, उसमें anti-clockwise torque produce कर रही है, तो clockwise torque is taken as negative, anti-clockwise is taken as positive, तो इन दोनों का जो सम होगा इक्वल होने की वजह से स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, द नेट टॉर्क इज जीरो, तो द बॉडी इज सेट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसकी भी दो कंडीशंस हैं, आइदर स्टैटिक आइदर डायनामिक। अब स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस कैसे निकालें, तो अगर तो बॉडी रेस्ट पर है यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, तो स्टूडेंट्स उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो, लिहाजा उस पर एक्ट करने वाला टॉर्क भी जीरो। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, हेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 5 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक जो है उसको लाजमी पढ़ें, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर बॉडी रिवॉल्व तो कर रही है बट उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है। अब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा, तो आपके पास अगेन जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो।
तो बॉडी का मोशन जो है वो रेस्ट हो या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन हो स्टूडेंट्स, तो दोनों केसेस में जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम पर। लेट से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू जीरो। नंबर टू, इन पे कोई ऐसी फोर्स लगी नहीं रही जो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस करे, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स आर ऑल्सो जीरो। तो इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम नाम देंगे किसका, कंप्लीट इक्विलिब्रियम का। सो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो बट सिग्मा टॉर्क, चले स्टार्ट करते हैं, दोनों ही अगर जीरो है तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अगर सिग्मा एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो बट सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, तो फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मौजूद है। अगर सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो बट सिग्मा टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर बॉडी में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है बट रोटेशनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर ना फोर्स का सम जीरो हो रहा है और ना टॉर्क्स का सम जीरो हो रहा है, तो फिर ना तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और ना रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको टॉर्क से रिलेटेड जो कपल होता है उसके मुताबिक कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं टॉर्क में, एक कंपल्शन होती है कपल की। कपल की वजह से जो टॉर्क होता है उसमें सबसे पहले कपल की कंडीशन अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहली कंडीशन है कि टू इक्वल फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का इक्वल होना जरूरी है, अदरवाइज ये कंडीशन कपल नहीं कहलाएगी, फिर इसमें नेट टॉर्क की कंडीशन आ जाएगी। विच एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो इक्वल फोर्सेस जो एक बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, जैसे गाड़ी के स्टेयरिंग पर आप एक हाथ से डाउनवर्ड और एक हाथ से अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो यू आर प्रोड्यूसिंग अ कपल, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट द सेम। यानी दोनों फोर्सेज ऑपोजिट हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक ही लाइन के लॉन्ग ऑपोजिट एक्ट कर रही है, नो, देयर मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एफ वन एंड एफ टू। लेट एफ वन इक्वल्स टू एफ टू, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इनको सिंपल एफ भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर चूंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो मोमेंट ऑफ हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया जाता है, तो यहां से इस फोर्स तक का फासला आर वन एक मोमेंट आर्म है, इस पिवट से फोर्स तक का फासला आर टू ये दूसरा मोमेंट आर्म है। सिमिलरली दिस कुड बी एफ वन, दिस कुड बी एफ टू, इफ एफ वन इज इक्वल टू एफ टू देन इट इज कॉल्ड कपल। और याद रखें यहां पर आप ये मत सोचने लग जाएं कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, नो, टॉर्क ड्यू टू अ कपल इज नेवर जीरो। कपल की वजह से टॉर्क कभी भी जीरो नहीं होता, बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होती है। गाड़ी के स्टीयरिंग से याद रखना, आप इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं तो रोटेशन प्रोड्यूस होती है, गाड़ी टर्न होती है। अब टॉर्क ड्यू टू कपल फाइंड करने का स्टूडेंट्स तरीकेकार क्या है, लेट से हमारे पास ये है पिवट पॉइंट P, इससे R1 डिस्टेंस पे फोर्स F1, R2 डिस्टेंस पे फोर्स F2 लग रही है, इक्वल और ऑपोजिट है। अब इसे फाइंड करने का तरीका ये है स्टूडेंट्स के जो टोटल टॉर्क है इट वुड बी द सम ऑफ टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, क्योंकि दो टॉर्क्स लग रहे हैं, वो कैसे, पिवट से F1 की वजह से एक टॉर्क, पिवट से F2 की वजह से एक टॉर्क। सुनाओ सी, टॉर्क 1 है R1 F1, R1 F1, अच्छा यहां पर हम साइन थीटा भी इन्वॉल्व कर लेते हैं पूरी इक्वेशन, यहां पे R2 F2, R2 F2 साइन थीटा, जो कंप्लीट इक्वेशन होती है टॉर्क की, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F विच इज R F साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। नाउ चूंकि मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 है, तो हम यहां पर जब 90 पुट करेंगे स्टूडेंट, साइन 90 क्या होता है 1, तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी R1 F1 प्लस R2 F2। ऑलराइट,
नाउ कपल की कंडीशन क्या है, दोनों फोर्सेस का इक्वल होना। अब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो ये वन और ये टू खत्म हो जाएंगे, हम फोर्स कॉमन ले सकते हैं एफ आर वन प्लस आर टू। अब यहां पर मैं एक सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं, आर वन प्लस आर टू ये तो डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के दरमियान, तो अगर हम इस पूरे डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दें स्टूडेंट्स, तो हम डी इंटू एफ, वेयर डी इज आर वन प्लस आर टू। स्टूडेंट्स इस डी को मोमेंट आर्म नहीं कपल आर्म कहा जाता है, यानी अगर आपने टॉर्क ड्यू टू अ कपल फाइंड करना है तो मिसाल के तौर पे ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 2 मीटर है, फोर्सेस 10 न्यूटन हैं, दोनों ही 10 न्यूटन है, तो बजाय इसके कि आप पहले R1F1 फिर R2F2 दोनों को प्लस करें, सिंपल दोनों फोर्सेस का टोटल डिस्टेंस क्या है, कितना बनना है 2 प्लस 2 4, और कोई एक फोर्स उसमें से पिक कर ले 10, तो 40 न्यूटन मीटर ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, अब एक और केस कि अगर आपके पास जो टॉर्क है कपल है उसमें फोर्सेस बिल्कुल राइट एंगल टू मोमेंट आर्म नहीं है, लेट्स से फोर्सेस मेकिंग एन एंगल थीटा, तो उसमें तरीकेकार ये होता है स्टूडेंट्स, यहां से एक कंपोनेंट ड्रॉ करें, अब ये कहलाएगा एफ टू साइन थीटा, यहां से भी एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लें, ये कहलाएगा एफ वन साइन थीटा, तो यहां से हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट पिक करेंगे। अब हम फुल टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, आर वन एफ वन साइन थीटा प्लस आर टू एफ टू साइन थीटा। स्टूडेंट्स टॉर्क में ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज फोर्सेस इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स है ना, तो सेम एंगल पर सेम कंपोनेंट्स आएंगे, अदरवाइज फोर्सेस डिफरेंट हो जाएंगी, फिर ये कंडीशन ऑफ टॉर्क नहीं रहेगी, कपल नहीं रहेगी। तो यहां पर सिंपल अभी भी आपके पास इस तरह आप कंसिडर कर सकते हैं कि आर वन और आर टू, अब यहां पर आर वन इंटू एफ साइन थीटा प्लस आर टू इंटू एफ साइन थीटा, क्योंकि मैंने कहा कि फोर्सेस का इक्वल होना जरूरी है, तो एफ साइन थीटा ये कॉमन आ जाएगा, एफ साइन थीटा यहां पे बचेगा आर वन प्लस आर टू। तो स्टूडेंट्स टॉर्क ड्यू टू अ कपल इन केस ऑफ एनी एंगल इज डी एफ साइन थीटा। सिंपल क्या करें, पूरा डिस्टेंस मेजर कर लें, जैसे 2 प्लस 2 था यहां पे 4 आ जाएगा, कोई एक फोर्स 10 है तो लेट से 10 आ गया, अब अगर एंगल यहां पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहां भी 30 डिग्री ही बनेगा, तो आपको दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन उठाने की जरूरत नहीं है, किसी एक तरफ से इंफॉर्मेशन उठा लें, डी होगा टोटल डिस्टेंस यानी आर वन प्लस आर टू, लेट से ये 4 है, फोर्स कोई एक पिक कर लें 10 है, एंगल 30 डिग्री है तो साइन, तो 4 इंटू 10 साइन 30 होता है 1/2, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 20 न्यूटन मीटर विल बी द आंसर। तो ये टॉर्क की कपल कंडीशन है स्टूडेंट्स, याद रखें अगर ये फोर्सेस इक्वल नहीं है, लेट से ये 20 न्यूटन है, तो देन इट्स नॉट अ टॉर्क, फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क फाइंड करने का तरीकेकार ये होगा स्टूडेंट्स कि आपने करना ये है, फिर आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे चले जाना, टॉर्क वन एंटी क्लॉकवाइज है 20 इंटू 2 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ऑलराइट 10 इंटू 2 ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, ये 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, तो 40 प्लस 20 टोटल 60 न्यूटन मीटर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, बट ये टॉर्क कंसीडर होगा, ये कपल कंसीडर नहीं होगा, तो कपल के लिए जरूरी है कि दोनों फोर्सेस क्या हों, इक्वल हों और ऑपोजिट हों। अब स्टूडेंट्स मैं आपको रॉड बैलेंसिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी कुछ सिंपल से टिप्स बता रहा हूं जिनको आपने माइंड में रखना है, फिर इसके बाद मैं बहुत से क्वेश्चन सॉल्व भी करूंगा, तो स्टे कनेक्टेड विद द लेक्चर। स्टूडेंट्स रॉड बैलेंसिंग में सबसे पहले एक टर्म यूज होती है कि अ मीटर रॉड इज पिवटेड ऑन अ फ्रेम। अब जब वर्ड मीटर रॉड आता है इसका मतलब है 1 मीटर, इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर। अच्छा अगर उस मीटर रॉड को बिल्कुल सेंटर से पिवट किया जाए और वो सेंटर ना भी बताया जाए, तो 100 का सेंटर क्या होता है 50,
अब इसको 50 पे प्लेस कर दिया तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अच्छा, अब इसमें पहली कंडीशन पे आते हैं, 50 सेंटीमीटर मार्क। याद रखें स्केल के ऊपर जो भी पॉइंट आपने फोर्स यहां पर लगानी है उसको वो मार्क कहा जाएगा। 10 सेंटीमीटर मार्क, 90 सेंटीमीटर मार्क, ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रही। अब फाइंड कैसे करना है? रॉड बैलेंसिंग के लिए स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेनी है, ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क्स। अच्छा, अब यहां पर एक कंडीशन है, पहले तो मैं सिंपल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स निकालनी कैसे, फिर आगे हम डिफरेंट कंडीशंस पे चलते हैं। 10 और 50 के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये आर है, इसको आर वन कह लें। 50 और 90 के दरमियान जो डिस्टेंस है ये आर टू है, ये मोमेंट आर्म्स है। स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा है तो वो 10 को मोमेंट आर्म समझ लेते हैं। नो, 10 और 50 का दरमियानी फासला मोमेंट आर्म है, 50 और 90 का दरमियानी फासला मोमेंट आर्म है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकालनी है, यहाँ पर खुद ही देखें, जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है रॉड को वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है वो क्लॉकवाइज मोमेंट है। सो नाउ सी, एंटी क्लॉकवाइज आर वन एफ वन मस्ट बी इक्वल टू आर टू एफ टू। आर वन एफ वन एंटी क्लॉकवाइज है, आर टू एफ टू क्लॉकवाइज है। तो देखें, आर वन 10, 50 में से 10 माइनस कर दें, 40 सेंटीमीटर मोमेंट आर्म है, यहां पे फोर्स कितनी है 10 न्यूटन। आर टू 90 और 50 का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, फोर्स 10 न्यूटन। तो 40 इंटू 10 दोनों का आंसर आएगा 400, यानी 400 न्यूटन सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज, 400 न्यूटन सेंटीमीटर क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कहेंगे द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। थर्डली, सेकेंडली, अब इस कंडीशन पे आ जाए कि एक तरफ 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, एक तरफ 10 न्यूटन, 10 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर मार्क पे, तो सेम वही कंडीशन, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब एंटी क्लॉक पे आ जाए, 50 और 10 का डिस्टेंस है 40, फोर्स कितनी लग रही है 20, 50 और 90 के डिस्टेंस 40, फोर्स लग रही है 10, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 800 न्यूटन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 400 न्यूटन सेंटीमीटर। अब क्लियर कट है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क ज्यादा है, क्लॉकवाइज वाला कम है, तो इसका मतलब है अब यहां पर नेट टॉर्क आएगा। नेट टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क में से माइनस कर दें क्लॉकवाइज टॉर्क, तो आप 800 में से 400 को माइनस करेंगे तो 400 न्यूटन सेंटीमीटर टॉर्क वो होगा जो किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कंडीशन होगी। फिर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इफ द रॉड इज बैलेंस्ड, कि जी ये रॉड जो है ना वो बैलेंस्ड है, तो बताएं कि एफ किसके इक्वल है। अब एक इसमें मैंने नई चीज ऐड की है कि यहां पर इस साइड पे दो फोर्सेस लग रही, तो स्टूडेंट्स अगर दो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं तो दोनों को आपने एंटी क्लॉकवाइज साइड पे रखना है। कंडीशन वही होगी, एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। सो नाउ सी, 50 और 10 का डिस्टेंस कितना होता है, पहले तो जनरल इक्वेशन लिख लें, लेट इट बी एफ वन, लेट इट बी एफ टू, लेट इट बी एफ थ्री। ये सारा डिस्टेंस आर वन, ये सारा डिस्टेंस आर टू और ये सारा डिस्टेंस आर थ्री। हर फोर्स को आपने पिवट से ही देखना है। सो एंटी क्लॉक पे आ जाए, आर वन एफ वन प्लस आर टू एफ टू, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एंटी क्लॉक साइड में है, आर थ्री एफ थ्री क्लॉकवाइज साइड पे है। तो आर वन 50 और 10 का डिफरेंस 40 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आर टू 50 और 30 का डिस्टेंस 20 इंटू 10 एंटी क्लॉक हो गया। 50 और 90 का डिस्टेंस गैप कितना है 40 और F3 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 400 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 40, ये 40 हम इधर ले आएंगे तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड F3। तो ये आपके पास हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है।
तो ये 15 न्यूटन विल बी द राइट आंसर, कि अगर यहाँ पर 15 न्यूटन की फोर्स हैंग हो तो द रॉड विल बी बैलेंस्ड। इसी तरह एक बड़ी यूनिक कंडीशन जिसे बड़ा घबराते हैं स्टूडेंट्स, कि जो रॉड है वो सेंटर से पिवट नहीं किया हुआ, रॉड को 30 पे रखा हुआ। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन कि आपने एक रॉड को बजाय सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर रख दिया, तो अपने वेट की वजह से उसने नीचे गिरना ही गिरना है। इसका मतलब है यहाँ पे आप फोर्स लगाए या ना लगाए, वेट की वजह से बॉडी नीचे की तरफ गिरना ही गिरना है। तो डिस्टेंस याद रखें हमेशा पिवट से ही लेना है, ये होगा आर मोमेंट आर्म। अब कंडीशन क्या है, कहता है कि अगर ये रॉड बैलेंस्ड है, अगर ये रॉड बैलेंस्ड है तो यहाँ पे कितनी फोर्स हैंग हो रही है, सिंपल एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज 30 से 0 तक का फासला है, 30 फोर्स हमें फाइंड करनी। अब ये बॉडी जो है, ये रॉड अगर 1 मीटर रॉड है स्टूडेंट्स, तो इसका वेट किस जगह पे एक्ट करेगा, 50 सेंटीमीटर मार्क पे। 50 उसका सेंटर ऑफ वेट मास भी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, तो ये वेट की वजह से नेचुरल टॉर्क एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो 30 से 50 तक का गैप कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो फोर्स वुड बी 200 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ पर आपके पास 6.6 न्यूटन जो है वो आंसर आ जाएगा। सो अगर यहाँ पर तकरीबन 6.6 न्यूटन की फोर्स हैंग हो रही हो तो रॉड विल बी बैलेंस्ड। तो स्टूडेंट्स कितनी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, एक तो आपसे अननोन नेट टॉर्क पूछा जा सकता है, आपसे अननोन फोर्सेस पूछी जा सकती हैं, आपसे रॉड का वेट पूछा जा सकता है, लेकिन सबका थीम एक ही है, ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू ऑल द क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और मैथडोलॉजी से बहुत से बल्क ऑफ क्वेश्चंस जो है, जो अभी हमने सीक्वेंस में सारा कुछ पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम सिलसिलावार इक्विलिब्रियम और टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो आपने गौर से देखना, और मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपको उन टाइप्स के मुतालिक जो है कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि यहाँ पे एक लाइन में अलोंग एक्स एक्सिस तीन मासेस पड़े, एम, 2m और 3m। एम और 2m के दरमियान डिस्टेंस l, और फिर m से 3m तक का जो डिस्टेंस है वो l प्लस 2l यानी 3l के इक्वल है। क्वेश्चन है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इक्वेशन मैंने आपको बताई, x सेंटर ऑफ मास, जितने मासेस हैं उतने प्रोडक्ट m1 x1 और डिवाइडेड बाय उतने ही मासेस का क्या करना है, सम। और टेक्निक क्या है कि किसी एक मास को, लेट्स से हम इस फर्स्ट मास को x1 कंसीडर कर लेते हैं जो कि है 0, ये हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन से 2m कितने डिस्टेंस पर है, l पर, 3m कितने डिस्टेंस पर है, 2l पर। तो फॉर्मूला लिखना है आपने, अब वैल्यूज पुट करनी है, m इंटू एक्स वन, अब x1 क्या है 0, फिर इसके बाद सेकंड मास है m2, 2m और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है l, फिर थर्ड मास है 3m, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस l प्लस 2l कितना हो जाएगा 3l, और नीचे तीनों मासेस को हम क्या कर देंगे ऐड। स्टूडेंट जब इसको ऐड करेंगे तो 2ml प्लस 9ml डिवाइडेड बाय 6m आएगा। तो x सेंटर ऑफ मास 11ml डिवाइडेड बाय 6m, m से m क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कैंसिल, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ रही है 11L बाय 6। तो लेट्स से अगर L आपके पास 1 मीटर है, ठीक है, तो फिर सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर होगा, L 1 हो जाएगा तो 11 बाय 6, ठीक है, तो ये तकरीबन 1.8 मीटर्स के राउंड अबाउट आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास वुड बी लाइंग बिटवीन 2m एंड 3m। स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको जो मास सिस्टम दिया हुआ है वो अलोंग वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्स सेंटर ऑफ मास की बजाय वाई सेंटर ऑफ मास लिख दें, फॉर्मूला आपके सामने बिल्कुल उसी तरह हूबहू सेम है, जस्ट एक्स की जगह वाई आ गया है। करें सिर्फ इतना कि आप इसको ओरिजिन कंसिडर कर लें और इससे फिर ये वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट्स जो है वो कंसिडर करते जाएँ, तो एम हमारे पास ज़ीरो, एक्स वाई वन जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, जो y2 है वो l डिस्टेंस पर है, जो y3 है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना गैप आ रहा है 2l का। तो सिमिलरली यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है गौर से तवज्जो से देख के, और आपके पास एट द एंड क्या आंसर आएगा 10l बाय 7।
तो y1 की जगह 0, y2 की जगह l और y3 की जगह 2l आ जाएगा। तो प्रोसीजर वही सेम है बट ये अलोंग y एक्सिस आ जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जिसमें x और y दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पे चार पॉइंट मासेज हैं और पूछा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब पहला हिंट, अभी तो आपको जो मासेज नज़र आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सब मासेज एक जैसे होंगे तो इनका सेंटर ये पॉइंट होगा। अच्छा, इन तमाम के दरमियान डिस्टेंस एक जितना ही और वो डिस्टेंस है एल। ये एक सिंपल स्क्वायर है तो हर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? एल के। तो ये जो पॉइंट है ये अगर हम देखें तो इधर से भी एल बाय टू और इधर से भी एल बाय टू, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग पे डिस्टेंस एल बाय टू और वाई एक्सिस के लॉन्ग पे डिस्टेंस एल बाय टू। अब स्क्वायर में स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, इसमें दो डायमेंशन इन्वॉल्व हो रही हैं, वाई भी और एक्स भी। तो ऐसे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा स्टूडेंट्स, उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और उसका वाई कंपोनेंट भी होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, यानी एक सिंगल एक्स या वाई नहीं होगा। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टूडेंट्स जो तरीकेकार अडॉप्ट करेंगे वो ये कि हम इस मास को ओरिजिन बना लेते हैं सच दैट इस ओरिजिन से इस तरफ एक्स एक्सिस और इस मास से अपवर्ड वाई एक्सिस। यहाँ तक बहुत फॉलो कर ली। अब देखें, ओरिजिन एम है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो जीरो, यानी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पर एक्स के कोऑर्डिनेट भी जीरो होंगे, यहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट्स भी जीरो होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्टेंसेस को पॉइंट आउट कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले जो पॉइंट मास M1 है वो है M, ये वाला मास, इसका X कोऑर्डिनेट 0 और Y कोऑर्डिनेट भी 0 है। इसके बाद M2, इसको हम 3M कह लेते हैं। देखें ये अलोंग X एक्सिस है, अब इसका X कोऑर्डिनेट होगा लेकिन इसकी कोई Y एक्सिस के अलोंग हाइट नहीं है तो इसका Y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा। इसी तरह M3 जो 2M के इक्वल है, अब देखें ये अलोंग x एक्सिस भी है और ये अलोंग y एक्सिस भी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इसका x कोऑर्डिनेट यानी ये x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है? L पे। ये y एक्सिस पे कितनी हाइट पर है? L पे। तो इसका x कोऑर्डिनेट भी आएगा और इसका y कोऑर्डिनेट भी आएगा। और एंड पे ये जो फोर्थ मास m4 है इसको 4m कह लें। अब देखें ये सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है, x पे क्या पॉइंट आ रहा है? 0। तो इसके x पे 0 लिखेंगे और y पे l लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 और ये x4 और ये y4। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, आपने करना ये है कि ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने इनका x जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड कर लेना। स्टूडेंट्स आप जब इसका x सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ फॉर सेविंग द टाइम, आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट करके आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है? यहाँ पे x डिस्टेंसेस पुट करना है ये वाली लाइन। अब y पे आएंगे तो y सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, तो जब आप y सेंटर ऑफ मास पे आएंगे m1 की जगह लिखेंगे m और y1 की जगह लिखेंगे 0, m2 की जगह लिखेंगे 3m और y2 की जगह लिखेंगे फिर 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आना चाहिए 3l by 5। ये दोनों आंसर्स वेरीफाई करके कमेंट में बताना है कि आपने ये दोनों आंसर्स फाइंड किए हैं। सो x कोऑर्डिनेट है l by 2 और y कोऑर्डिनेट होगा 3l by 5, यानी x और y समवेयर बिटवीन द स्क्वायर या इनसाइड द स्क्वायर इनका क्या एग्जिस्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स अब दो टॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल 4 एंड 5। यहाँ पर एक डिस्टेंस d है, ये पॉइंट O समझ लें, ठीक है? ये पॉइंट P है जहाँ पे एक फोर्स लग रही है F जो मोमेंट आर्म के साथ एंगल बना रही है थीटा। अब इससे टॉर्क फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा R इंटू F या सिंपल R क्रॉस F पहले तो लिख लें, ऑल राइट? अब चूंकि ये फोर्स 90 डिग्री पर नहीं है, कोई एंगल थीटा बना रही है, तो स्टूडेंट्स जिस जहां पर एंगल होता है ना उसको बंद करते हैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करके। ये आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ करके इसको बंद कर दिया। अब ये जो ड्रॉ किया प्रोजेक्शन, ये अल्टीमेटली क्या है? F साइन थीटा, फोर्स का वो कंपोनेंट जो मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर है। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू डी यानी मोमेंट आर्म इनटू एफ साइन थीटा,
दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द टॉर्क. याद रहे टॉर्क फाइंड करने के लिए जो मोमेंट आर्म है उसका फोर्स के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना लाजमी है. अब ये क्वेश्चन एमडी कैट एग्जाम्स में आ चुका है. अब इसमें सोचने समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन था ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है. अब उन्होंने एंगल विद एक्स एक्सिस शो नहीं किया हुआ, उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके उसके साथ एक एंगल थीटा शो किया और पूछा कि व्हाट इज द टॉर्क. अब अगर यहाँ पे डी एफ साइन थीटा आप सिलेक्ट कर ले तो आपका आंसर गलत हो जाना था. करना क्या है, मैंने कहा कि जहाँ पर एंगल हो उस एंगल को प्रोजेक्शन ड्रॉ करके बंद करें. अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है. अब परपेंडिकुलर क्या होता है, एफ साइन थीटा. ये है बेस, बेस क्या होता है, एफ कॉस थीटा. अब आप इन दोनों कंपोनेंट्स में से फैसला करें कि मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा है या एफ कॉस थीटा. ऑब्वियसली इट इज एफ कॉस थीटा. तो स्टूडेंट्स, अगर एंगल बिटवीन एफ एंड मोमेंट आर्म नहीं है तो यूज कॉस थीटा, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म है तो यूज साइन थीटा. यहां पर आप टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे डी एफ कॉज ऑफ थीटा. सो दैट्स हाउ यू कैन मेजर द टॉर्क. स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें. आपको एक कपल कंडीशन दी है कि एक रॉड है 0.6 मीटर लॉन्ग और उस पर 8 न्यूटन इस तरफ फोर्सेस लग रही हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज. अब इसको सॉल्व करने की एक सिंपल सी मेथडोलॉजी, आप इमेजिनरी तौर पे इस लाइन को फॉरवर्ड ले जाएं. मैं इस कन्फ्यूजन से निकालने के लिए कह रहा हूँ कि साइन या कॉज कौन सा यूज़ करना है. अभी पिछले में क्वेश्चन में आपने देखा कन्फ्यूजन हो सकती. इस लाइन को आगे प्रोसीड कर देंगे, ऑल्टरनेट एंगल लगे, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री. अब देखें फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल बन रहा है तो यूज हम साइन थीटा ही करेंगे, नंबर वन. फिर कपल में मैंने आपको बताया था कि दोनों में से आपको ये एक फोर्स और कपल आर्म यूज कर लें, तो हम यहाँ पर पूरा डिस्टेंस 0.6 यूज करते हैं. एफ की वैल्यू 8 है और साइन यहाँ पर कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री. तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लें, तो आपके पास आंसर आएगा 4.2 न्यूटन मीटर्स. स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है कपल से रिलेटेड आपके सामने. जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें और इसका आंसर आपके पास आना चाहिए है 0.46 न्यूटन मीटर. सो इसको सॉल्व करके कंफर्म करें कमेंट में, दैट यस यू हैव डन इट. स्टूडेंट्स, इसी तरह एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रॉड है जिसका पिवट पॉइंट पी है, उससे डी डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म पे एक फोर्स लग रही है एफ. अब फिर देखें यहाँ पर एंगल कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है. फिर वही बात सोचें कि एंगल मोमेंट आर्म के साथ नहीं बन रहा, तो यहाँ पर कौन सा थीटा इन्वॉल्व किया उसने, कॉस थीटा. अगर ये एंगल इस जगह पर बन रहा होता तो फिर कौन सा एंगल इन्वॉल्व होता, साइन थीटा. तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा लार्जेस्ट टॉर्क के लिए आपको क्या क्या चीज़ें बढ़ानी चाहिए हैं या क्या क्या चीज़ें कम करनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स टॉर्क में आर एफ या डी एफ साइन भी आ सकता है और कॉस भी. ऑब्वियसली डी की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, एफ की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए. हाँ, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 की तरफ जाए तो बढ़ती है, यानी एंगल जितना बड़ा होगा, एंगल जितना लार्ज होगा, थीटा जितना लार्ज होगा उतनी ज़्यादा जो आपके पास टॉर्क की वैल्यू वो बढ़ेगी. और कॉस को आप जानते हैं, कॉस की वैल्यू 90 से 0 की तरफ आए तो बढ़ती है. तो स्टूडेंट्स, कॉज के मामले में एंगल जो है वो स्मॉल होगा तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो ये कॉन्सेप्ट जो है जहन में रखना है कि कॉज के साथ स्मॉल एंगल और साइन के साथ लार्ज एंगल पर टॉर्क की लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी. स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि दो आपके पास सपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर एक रॉड पड़ी हुई है. यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जो आप सीखेंगे. ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं चैप्टर नंबर 2 के, उनका जो न्यूमेरिकल नंबर 16 है उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको समझा भी चुका हूँ कि जो भी स्टूडेंट सपोर्ट होती है ना उससे फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड लेते हैं, नंबर वन. नंबर टू, क्वेश्चन है कि एक रॉड है, एक बीम है जो दो सपोर्ट्स पे पड़ी हुई है और दोनों सपोर्ट्स के दरमियान डिस्टेंस 3 मीटर है. इस बीम का वजन 180 न्यूटन है.
अगर सपोर्ट वाई 220 न्यूटन का जो रिएक्शन फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर एक लोड पड़ा हुआ है, उसका वेट बताना है कितना है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए नंबर वन, आपने दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट, लेट से इस पॉइंट को पिवट कंसीडर कर लेना। अब इसको पिवट कंसीडर कर लेंगे ना, तो इस पर लगी हुई फोर्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये पिवट है, पिवट पर लगने वाली फोर्स का टॉर्क क्या होता है, जीरो। नंबर टू, ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। अब आप ज़रा एरोज़ को देखें और ख़ुद जज करें कि ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड हैं तो दे आर मूविंग द रॉड क्लॉकवाइज, ये फोर्स अपवर्ड है तो इट इज़ मूविंग द रॉड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क फॉर द बीम नॉट टू ब्रोक। अब देखें, सबसे पहले एंटी क्लॉक पे आ जाएं, पिवट से लेकर इस फोर्स तक का डिस्टेंस है 3 meters, 3 meters मल्टीप्लाई बाय द फोर्स 220 newtons। ठीक है, तो यूनिट समेंट पे डिसाइड कर लेंगे। अब आ जाए क्लॉकवाइज पे, वेट का या लोड का पिवट से डिस्टेंस है 0.8, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय वेट जो हमने फाइंड करना है। अब ये वाली जो वेट ऑफ द रॉड है, सेंटर से पिवट से सेंटर तक 3.5 कितना हो जाएगा, 1.5, तो 1.5 मीटर होगा मोमेंट आर्म, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 180। स्टूडेंट्स अब आपने इसको सॉल्व करना है W के लिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 220 और उसमें से ये सारा फैक्टर आप माइनस कर दें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 180 और इस सारे फैक्टर को 0.8 पे डिवाइड करेंगे, तो हेयर यू विल लेफ्ट विद W। तो W जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास अभी आपने वेरीफाई करना है, अप्रॉक्सीमेट 488 टू राउंड अबाउट 490 जो है आपके पास न्यूटन आंसर आना चाहिए। तो ये कुछ बातें जहन में रखते हुए कि दोनों में से किसी एक सपोर्ट को आपने क्या बना लेना, पिवट, और उसके बाद देखना है कि कुछ टॉर्क्स इसको अपवर्ड और कुछ टॉर्क्स इसको डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक ब्रिज टाइप एक यूनिफॉर्म बीम है जिसकी लंबाई 6 meters है, उसके इस पॉइंट पर एक रस्सी से बांधा गया है, जिस रस्सी की जो ब्रेकिंग टेंशन है वो 400 newtons है, यानी अगर इस रस्सी पर 400 या इससे थोड़ा सा भी ग्रेटर वेट एग्जर्ट होगा तो ये टूट जाएगी। इस रॉड का या इस बीम का अपना वजन है 200 newtons। सवाल ये है कि एक शख्स इस बीम पे चलते चलते कितनी दूर जा सकता है सच दैट द रोप मे नॉट ब्रेक। अब यहाँ पर भी आप ऑटोमेटिकली टॉर्क की कंडीशंस बनते हुए देख रहे हैं, कुछ है क्लॉकवाइज और कुछ है एंटी क्लॉकवाइज, तो द इक्विलिब्रियम कंडीशन मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, ये होगी फोर्स और इसका ये पिवट पॉइंट कंसिडर कर लें 6 meters। फिर इसी तरह क्लॉकवाइज के लिए, अब देखेंगे मिड पॉइंट है ना 6 का, तो ये मोमेंट आर्म 3 आ जाएगा इंटू 200 प्लस 400 फोर्स है और डी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे डिस्टेंस डी के लिए, मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ, 4.5 meters, यानी ये शख्स 4.5 meters तक चला जाए तो रोप जो है वो टूटने से बच जाएगी। स्टूडेंट्स इसी तरह आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक रॉड है जिसकी कुल लंबाई 2.4 meters और वो सेंटर से पिवटेड है। अब एक चीज़, अगर ये सेंटर से पिवटेड है तो हाफ ये लेंथ है, हाफ ये लेंथ है, यानी इस हाफ की लंबाई भी 1.2 meters है और इस हाफ की लंबाई भी 1.2 meters है, 2.4 से हमने अंदाज़ा लगा लिया। अब वो कहता है कि एक वेट ऑफ 200 newtons हैंग है पिवट से 0.8 meters पर और एक वेट 300 newtons हैंग है जिसका दूसरे कॉर्नर से डिस्टेंस 0.8 दिया हुआ है। अब हमें उसने पिवट से डिस्टेंस नहीं बताया, ये वाला डिस्टेंस ही हमारे पास मोमेंट आर्म होगा ना, तो ये तो उसने हमें नहीं बताया। लेट इट बी R1, लेट इट बी F1, लेट इट बी R2, लेट इट बी F2, तो हम पहले ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो इस साइड की लंबाई तो हमें पता है 1.2 meters, तो स्टूडेंट्स हमारे पास R2 क्या हो जाएगा, R2 हमारे पास हो जाएगा 1.2 - 0.8, तो R2 डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 0.4 meters। तो ये R2 डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना हो गया 0.4 meters। अब नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए एंटी क्लॉक इक्वल टू क्लॉक कर लें, R1 है 0.8,
एफ वन है 200, दूसरी तरफ आर टू है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 300। नाउ स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज टॉर्क ये हमारे पास आ रहा है 120 न्यूटन मीटर और ये हमारे पास आएगा 160 न्यूटन मीटर। अब देखें दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे, कौन सा टॉर्क ज़्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज कितना ज़्यादा है? 160 में से हम 120 को माइनस करेंगे तो 40 न्यूटन मीटर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ये इस रॉड पे एक्ट कर रहा है, यानी ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी विद अ नेट टॉर्क ऑफ 40 न्यूटन मीटर्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, ये उसका सेंटर है। अब सेंटर है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना होगा? एल बाय टू, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? एल बाय टू। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट को इमेजिन करके दोनों तरफ के डिस्टेंसेस को मेंशन कर लिया करें। नाउ इट सेज कि एक फोर्स इस कॉर्नर से इस पॉइंट तक एक फोर्स एफ वन लग रही है, ये डिस्टेंस है एल बाय एट। यहाँ पर एक फोर्स एफ टू लग रही है, उसका इस कॉर्नर से डिस्टेंस एल बाय फोर है। अब याद रखें ये दोनों डिस्टेंसेज पिवट से नहीं है, कॉर्नर से हैं। टॉर्क या मोमेंट्स के लिए हमें डिस्टेंस पिवट से कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस पिवट से एफ वन तक का फासला आर वन, इस पिवट से एफ टू का फासला आर टू। क्वेश्चन पूछा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफ वन एंड एफ टू, तो सबसे पहले तो आर वन और आर टू फाइंड करेंगे। अब देखें उसके बाद इन फोर्सेस की डायरेक्शन अपवर्ड शो की गई है। अब उस पर गौर से देखें, ये फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है और ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। सो वन फोर्स क्लॉकवाइज है और टू फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में वन पहले लिख लें और टू बाद में लिख लें। अब हमें आर वन फाइंड करना है ना, तो इस डिस्टेंस एल बाय टू में से एल बाय एट को माइनस कर दें। तो आर वन के लिए एल बाय टू में से एल बाय एट को माइनस करेंगे, आंसर आएगा थ्री एल बाय एट। तो आर वन आ गया थ्री एल बाय एट मल्टीप्लाई बाय एफ वन। आर टू के लिए एल बाय टू में से एल बाय फोर को माइनस कर दें, एल बाय टू माइनस एल बाय फोर आंसर इज एल बाय फोर। तो एल बाय फोर मल्टीप्लाई बाय एफ टू। नाउ सिंपली आप एफ वन डिवाइडेड बाय एफ टू करेंगे तो एल बाय फोर को मल्टीप्लाई कर दें आप एट बाय थ्री एल से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एट बाय ट्वेल्व और टू बाय थ्री आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन है कि एक स्विमिंग पूल के ऊपर एक डाइविंग बोर्ड है जिसको इस तरह सपोर्ट किया गया है कि ये एक्स सपोर्ट बोर्ड से ऊपर है और ये वाई सपोर्ट बोर्ड से नीचे है। एक पर्सन जिसका वजन 600 न्यूटन है वो यहाँ पर मौजूद है डाइव करने के लिए। स्टूडेंट्स पूछा ये है कि वाई पर जो फोर्स है वो कितनी है और किस डायरेक्शन में है और एक्स पर जो फोर्स है वो कितनी है और किस डायरेक्शन में। सिंपल सा टिप याद रखें, अगर सपोर्ट ऊपर है तो फोर्स नीचे लगेगी, यानी इट इज़ द फोर्स एट एक्स। सपोर्ट नीचे है तो फोर्स अपवर्ड लगेगी, दिस वन इज द फोर्स वाई। सो अब हम इसको दो मेथडोलॉजी से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें एक्स भी फाइंड करना और वाई भी। सबसे पहले हम इस पर अप्लाई करेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो देखें वाई पॉजिटिव साइड पे कौन सी फोर्स है? वाई, यानी ऑल द अपवर्ड फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेज। अब डाउनवर्ड फोर्सेज कौन सी हैं? x प्लस 600, ये चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होंगी। इसी के साथ जो y है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें ना x पता है ना y पता है, बट इतना पता है कि x प्लस 600 इज इक्वल टू y। सेकेंड अब हम इस पर अप्लाई करेंगे सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो ऑल द एंटी क्लॉक वाइज मस्ट बी इक्वल टू ऑल द क्लॉक वाइज। उसके लिए क्या करना है, इस पॉइंट को पिवट सपोज कर लेना। पिवट सपोज कर लिया तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला सपोर्ट ऊपर है तो फोर्स नीचे, सपोर्ट नीचे है तो फोर्स ऊपर, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा जब टॉर्क्स फाइंड करने हैं तो एक जगह को एक हिस्से को आपने ओरिजिन या पिवट पॉइंट कंसीडर कर लेना। अब उसे देखें, वाई फोर्स है एंटी क्लॉकवाइज और 600 फोर्स है क्लॉकवाइज। तो फोर्स है वाई और उसका डिस्टेंस पिवट से कितना है? 2 मीटर। तो फोर्स 2 मीटर आ जाएगा। क्लॉकवाइज के लिए फोर्स है 600 और डिस्टेंस कितना है? 5। तो 2y इज इक्वल टू 3000। तो यहां से हमें y फोर्स मिलती है सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स कितनी? 1500। नाउ इट मींस x प्लस 600
इज इक्वल टू 1500। अच्छा, ये 1500 न्यूटन किस डायरेक्शन में है? सर डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी। अब x फाइंड करना है तो x के लिए 1500 माइनस 600, तो x फोर्स आ जाएगी कितने न्यूटन? 900 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। स्टूडेंट्स, इसी तरह एक क्वेश्चन है कि एक रॉड है 3 मीटर लॉन्ग, उस रॉड का वेट है 50 न्यूटन। अब 50 चूंकि मिड पे एक्ट करता है तो मैंने यहाँ पर मिड पे लाइन लगा के 50 न्यूटन लिख दिया। कहते एक वेट W हैंग कर रहा है पिवट से 1 मीटर के फासले पर, अगर ये रॉड को बैलेंस कर रहा है तो बताएं वेट की वैल्यू कितनी है। अब देखें, हमें लेट से R1 पता है, F1 हमें फाइंड करना है, R2 हमें नहीं पता फिलहाल और F2 हमें पता है, तो कंडीशन तो वही होगी, एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब देखें, पूरा डिस्टेंस 3 मीटर है तो मिड से लेके कॉर्नर तक डिस्टेंस कितना मीटर हो जाएगा? 1.5 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। तो अब देखें, R2 फाइंड करना मुश्किल है, R2 के लिए क्या करेंगे? टोटल 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.5। तो ये जो R2 डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये दूसरा मोमेंट आर्म आ जाएगा 0.5 मीटर। ऑलराइट, अब एंटी और क्लॉकवाइज ये दोनों टॉर्क्स फाइंड करते हैं। इस वेट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो R1 F1, वेट की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क है तो R2 F2। अब R1 है 1 मीटर, F1 हमें फाइंड करना है, R2 आपके पास निकला है 0.5 और F2 है 50, तो W इज इक्वल टू 25 न्यूटन्स। दैट्स द सिंपल आंसर। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है कि एक पिवट पॉइंट है P। अब ये जो P पिवट है, यहाँ से 2 मीटर की एक लेंथ है, ठीक है, और ये 2 मीटर जो लेंथ है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये रॉड यूँ एक्सटेंड कर रही है। अब इस पर एक न्यू फोर्स लग रही है 5 न्यूटन बिल्कुल मिड में, जिसका डिस्टेंस इस पिवट से अगर देखें तो 2 मीटर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 4 मीटर बन रहा है, 3 मीटर प्लस 1 मीटर। एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन डाउनवर्ड और एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। अब देखें, आपके लिए बड़ा इजी है डिसाइड करना कि 5 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है और 20 न्यूटन क्लॉकवाइज जा रही है। आप अगर कंफ्यूज होंगे तो इस 10 न्यूटन पे आप इसे टॉर्क नहीं समझ रहे होंगे, बट ये फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वजह कि ये पिवट की लाइन में नहीं, यानी इस जगह पर एक्ट नहीं कर रही, पिवट से जाके एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक्ट कर रही। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल बोर्ड मार्कर का कैप रख देता हूँ तो आप यूँ समझेंगे ये रॉड इस कैप के गिर्द घूम रही है, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा 10 न्यूटन तो देर विल बी अ मूवमेंट इन द रॉड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज पे आ जाएं। ये 5 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो 5 का पिवट से डिस्टेंस कितना है? 2। तो 5 मीटर 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर्स। ये 10 न्यूटन फोर्स भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है। अच्छा, इसका पिवट से डिस्टेंस कितना कंसीडर करेंगे? ये लाइन हम कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा मोमेंट आर्म, ये हो जाएगा फोर्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 × 2। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्लॉकवाइज। अब 20 न्यूटन है और पिवट से डिस्टेंस कितना है? 3। तो मोमेंट आर्म इंटू फोर्स 20 × 3, तो 10 + 20 इज इक्वल टू 60, 30 न्यूटन मीटर। इस तरफ आ रहा है 60 न्यूटन मीटर। अब देखें कौन सा टॉर्क ज़्यादा है क्लॉकवाइज, तो हम नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो 60 में से 30 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो 30 न्यूटन मीटर हमारे पास नेट टॉर्क है। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये रॉड बेसिकली इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक रॉड है, लेट्स से इसकी लंबाई 1 मीटर है, इस पर 60 सेंटीमीटर मार्क पे 3 न्यूटन, 90 सेंटीमीटर मार्क पे 2 न्यूटन और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मार्क पे एक फोर्स एफ हैंग की हुई है। क्वेश्चन गौर से सुनना, उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ 3 न्यूटन फोर्स अबाउट यू, यू यानी पिवट। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो वी डोंट नीड टू फाइंड दिस फोर्स, उसने कहा सिर्फ ये बता दें कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ 3 न्यूटन फोर्स अबाउट यू। तो वेरी सिंपल, आर और एफ, ये होगी मोमेंट। तो अब इसमें आर क्या होगा?
अगर ये रॉड 1 मीटर है तो इसका सेंटर किस पे है? 50 पे। 50 से 60 तक डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोर्स कितनी है? 3 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इस 3 न्यूटन फोर्स की वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है रॉड पे वो है 30 न्यूटन सेंटीमीटर। एंड इन केस के अगर हमें ये फोर्स फाइंड करनी हो तो फिर क्या करेंगे? ऑल दी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सो देखें क्लॉकवाइज में 10 × 3 आ गया प्लस अब 90 का 50 से डिस्टेंस कितना बनेगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू इस फोर्स का 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का गैप कितना है? 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एफ। तो 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 40 एफ। तो 120 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू एफ। तो स्टूडेंट्स ये जो एफ है आपके पास कितने न्यूटन आ जाएगा? 3 न्यूटन। अगर 3 न्यूटन फोर्स यहाँ पे हैंग की जाए तो रॉड विल बी बैलेंस्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक रॉड है आपके सामने मीटर रॉड, सेंटर से पिवटेड है, 30 सेंटीमीटर मार्क पर एक वेट हैंग कर रहे हैं 2 न्यूटन। एक हमने 4 न्यूटन वेट हैंग करना है। क्वेश्चन गौर से सुनना है, कहता है एट व्हाट मार्क। अच्छा, जब रॉड बैलेंसिंग के क्वेश्चन में मार्क पूछा जाए ना, तो जैसे ये 30 सेंटीमीटर मार्क है ना, हमने ये बताना है रॉड जो वेट हमने हैंग किया है ये रॉड पे किस मार्क पे हैंग किया हुआ है। डिस्टेंस मोमेंट आर्म नहीं बताना, ये पॉइंट बताना है कि ये कौन सा मार्क है। अच्छा, उसके लिए R1F1 मस्ट बी इक्वल टू R2F2, वही कंडीशन है जो पहले चल रही है। अब ये 50 है तो ये R1 कंसीडर कर लें और ये R2 कंसीडर कर लें। अब R2 हमें नहीं पता, R1 50 से 30 तक का गैप स्टूडेंट्स कितना होगा? 20। फोर्स कितनी लग रही है? 2 न्यूटन। R2 हमें फाइंड करना है पहले, F2 है 4 न्यूटन। तो 40 इज इक्वल टू 4R2, हेयर R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब R2 क्या है? मोमेंट आर्म। पिविट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर फोर्स लग रही। अब पिविट कितने सेंटीमीटर पर है? 50 पे। तो 50 से 10 सेंटीमीटर आगे जाएं तो कौन सा मार्क आएगा? 60 सेंटीमीटर का। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट भी जेहन में रखना है कि अगर मोमेंट आर्म पूछा जाए तो 10 है, अगर मार्क पूछा जाए तो 50 प्लस 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी साइड पे यही मार्क होगा तो 50 में से उसी 10 को माइनस कर देना, यानी राइट साइड पे जा रहे हैं तो 50 प्लस मोमेंट आर्म और लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो 50 माइनस मोमेंट आर्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी तरह एक क्वेश्चन है कि एक 1 मीटर लॉन्ग रॉड है, 50 सेंटीमीटर पे पिवटेड है। ऑलराइट, अब अगर हम एक फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं डाउनवर्ड, ये 90 पे भी एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, 60 पे एक ज़रा ट्रिकी पॉइंट है कि फोर्स लग रही है अपवर्ड। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो फोर्स अपवर्ड लग रही है वो कौन सी मोमेंट को सपोर्ट कर रही है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। वो रॉड को यूं लेकर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो सिंपल, इस फोर्स को आपने क्लॉकवाइज में ऐड नहीं करना, एंटी क्लॉकवाइज में ऐड कर देना। अब सिंपल, ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू ऑल दी क्लॉकवाइज। तो 3 न्यूटन और एफ फोर्स एफ, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं और 2 न्यूटन क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है कि 10 से 50 तक कितना मोमेंट आर्म है? 40 एफ प्लस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में आएगी। तो 3 × 10 30, क्लॉकवाइज में आ जाएगा। 50 to 90 का गैप कितना होता है? 40 और फोर्स कितनी है? 2 न्यूटन। तो आप इसको सिंपली सॉल्व करते जाएं, आपके लिए एफ की वैल्यू निकलेगी 1.25 न्यूटन, यानी अगर 1.25 न्यूटन यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट हो स्टूडेंट्स तो द रॉड विल बी बैलेंस्ड। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है इसी तरह कि दो सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर एक ब्रिज है, नियरली वेटलेस ब्रिज है। अगर वर्ड वेटलेस आ जाए स्टूडेंट तो आपको फिर ब्रिज का वेट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि उस पर ब्रिज की एक एंड को अगर हम 0 मीटर यानी स्टार्टिंग कंसीडर कर लें तो उससे 4 मीटर के फासले पर एक ट्रक है जिसका वज़न 30,000 न्यूटन है। अब ट्रक जो है वो ब्रिज के ऊपर है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेट 30,000 न्यूटन्स।
पूछा ये है कि सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पर कितनी फोर्स लग रही है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सपोर्ट अगर बीम से नीचे है, रॉड से नीचे है, तो फोर्स लगेगी अपवर्ड, ये होगी फोर्स ए और ये होगी फोर्स बी। तो अब इसको ए और बी को फाइंड करने के लिए वही दो मेथड्स के, पहले सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो लगाएंगे, फिर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो लगाएंगे। तो सम ऑफ ऑल फोर्स मस्ट बी जीरो, ऑल द अपवर्ड मस्ट बी इक्वल टू ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस। तो ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 30,000 न्यूटन, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 30,000 न्यूटन हो गया। अब हमने जब टॉर्क्स पे जाना है तो फिर वही चीज़ के एक पॉइंट को पिवट बना लें। अब इसको पिवट बना लिया तो एक टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज और एक टॉर्क है क्लॉकवाइज। तो नाउ सी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है बी फोर्स है और जीरो से मोमेंट आर्म कितना है 12, तो 12 बी आ गया। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है 30,000 × 4, ये वाला आपके पास टॉर्क आ गया। 12 दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो बी का आंसर आपके पास कितना आएगा 10,000 न्यूटन, यानी बी पे फोर्स कितनी लग रही है 10K न्यूटन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 30,000, तो बी हम फाइंड कर चुके हैं, ए प्लस 10,000 इज इक्वल टू 30,000, 10,000 माइनस कर देंगे तो सपोर्ट ए पे कितना फोर्स लग रही है 20,000 न्यूटन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20K न्यूटन। तो देखें, ट्रक चूँकि सपोर्ट ए के करीब है तो सपोर्ट ए पर रिएक्शन ज़्यादा है, बी से दूर है तो इस पर रिएक्शन कम है। अब जस्ट इमेजिन करें कि ट्रक बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो ए भी 15,000 किलो न्यूटन हो जाएगा, 15,000 न्यूटन हो जाएगा और बी भी 15,000 न्यूटन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि एक विंड मिल है, उस विंड मिल पर 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक 3 न्यूटन फोर्स लग रही, 4 मीटर डिस्टेंस पर एक एफ फोर्स लग रही है, 4 मीटर पे 1 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहाँ 3 मीटर डिस्टेंस पे 2 न्यूटन फोर्स लग रही है। वो कहता है कि बताएं अगर हमने इस विंड मिल को रोकना हो घूमने से तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। अब अगर इस फोर्स पे गौर करें तो ये विंड मिल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, बाकी सारी फोर्सेस पे गौर करें तो क्लॉकवाइज। तो सिंपल मोमेंट्स कैलकुलेट कर लें। अब एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स यानी 4F, मोमेंट आर्म 2 है, फोर्स 3 है, तो ये क्लॉकवाइज साइड पे आ जाएगी, 3 × 2 ये भी क्लॉक में आ जाएगी और इसी तरह 4 × 1 ये भी क्लॉकवाइज साइड पे आ जाएगी। इसके बाद आप सिंपल इनको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास 4 न्यूटन फोर्स, यानी दिस फोर्स मस्ट बी 4 न्यूटन इन ऑर्डर टू स्टॉप द विंड मिल। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर और इसमें सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स। लेक्चर को गौर से सुने, दोबारा से इन प्रॉब्लम्स को खुद भी एक दफ़ा सॉल्व करें और इससे रिलेटेड इंटरनेट पर सर्च करके या बुक्स में सर्च करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।